बहुत शानदार संचालन कर रहे हैं। सभी को एक मोती में पिरोकर यहाँ पर उन्होंने इकट्ठा किया और मैं बहुत बहुत धन्यवाद और आभारी हूँ आदरणीय भटनागर जी की। अभी दिख नहीं रहे कहाँ चले गए वो, क्योंकि अभी बहुत सारे कवि बोल चुके हैं जो सभी की रचनाएं सुनी हैं उन्होंने, लेकिन आप जितने भी हैं, जितने भी यहाँ श्रोता शेष हैं बहुत विशेष हैं, और मंच पर भी अभी हमारे दो वरिष्ठ कवि जो शेष हैं वो भी बहुत ही विशेष हैं। आप उनको भी सुनिएगा और अपना आशीर्वाद दीजिएगा। मुझे यहाँ आने का मौका दिया, बहुत अच्छा लगा, और वाकई आप लोग बहुत अच्छा सुनते हैं। जिस प्रकार दही जमा के उसको माखन निकालते हैं, आप सभी वही माखन हैं। मैं आपको वादा प्रणाम करती हूँ, वंदन करती हूँ, नमन करती हूँ। और यहाँ पर ये खड़े हैं जो लोग, अगर वो बैठ जाए तो बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि बहुत सारी कुर्सियाँ खाली हो गई हैं अब। तो ये कार्यक्रम जो पुलवामा शहीदों के लिए रखा गया है, मैं चार पंक्तियाँ उनके लिए रखती हूँ, उनके चरणों में रखती हूँ श्रद्धांजलि रूप, क्योंकि समय बहुत हो गया है और हमारे तो अभी कवि बैठे हैं वरिष्ठ कवि, उनको भी आपको सुनना है, तो मैं थोड़ा सा समय लूँगी, ज़्यादा समय नहीं लूँगी। मैं चार पंक्तियाँ उनको समर्पित करती हूँ। अमर वीरों की वो गाथा सभी को याद हो जाए। ये चार पंक्तियां मैं बस केवल चार ही पंक्तियां रखूंगी, और आप लोगों का आशीर्वाद, क्योंकि बहुत कम लोग हैं लेकिन तालियां मुझे लगता है जोरदार होना चाहिए। और हमारे अभी विशु भैया ने कहा भी था, कोई कभी ने कहा भी था शायद कि एक सरदार 1,25,000 के बराबर है, तो यहाँ पर हमारे 1,25,000 ही लोग हैं। आप सभी सुनिएगा कि अमर वीरों की वो गाथा सभी को याद हो जाए, मिटे जो देश की खातिर वो वादा याद हो जाए। गजब इतिहास लिख डाला मेरे वीरों ने भारत में, हर एक माता की गोदी में वीर आजाद हो जाए। हर एक माता की गोदी में, मैं मंच से भी ध्यान चाहूंगी, क्योंकि नहीं सब ध्यान नहीं दे रहे हैं, क्योंकि जब इन लोगों का काव्य पाठ था तो मैं बड़े मन से खूब तालियां बजा रही थी, लेकिन अब मैं चाहूंगी कि आप लोग भी थोड़ा सा ध्यान दें। आपको देखा था अभी सभी लोगों ने अपना अपना रस पढ़ा, जो जिनको पसंद था वीर रस पढ़ा, क्योंकि यहाँ इस भूमि पर इस आज प्रांगण में जो कार्यक्रम रखा शहीदों के लिए रखा है, लेकिन मैं श्रृंगार पढ़ती हूँ, थोड़ा पढ़ूंगी आप लोगों को सुनाऊंगी, अच्छा लगे तो मुझे आशीर्वाद जरूर दीजिएगा। मैं शुरू करती हूँ, चार पंक्तियाँ आपके लिए निवेदित करती हूँ, सुनिएगा। और मेरी आवाज़ यदि भैया जी सुन रहे हैं, दीदी तो बैठी हैं, हमारी बहनें बैठी हैं, बड़े प्यार से सुन रही हैं, और खासकर आप दीदी तो बहुत ही हर चीज़ बड़े रुचि से चटाके लेके सुन रही हैं, आपको बहुत 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 धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पढ़ती हूँ, सुनिएगा। विनय विवेचना विचार लेके आई हूँ, विनय विवेचना विचार लेके आई हूँ, शब्द साहित्य का उपहार लेके आई हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा। अरे वाह, शुक्रिया। माँ पीताम्बरी की नगरी से आई हूँ, आप सभी को प्रणाम करती हूँ, नमन करती हूँ, वंदन करती हूँ, मैं भी दतिया से हूँ।
मेरी जन्मभूमि दतिया है। मैं शुरू करती हूँ। आदरणीय मयंक भैया जी, आपके लिए चार पंक्तियां निवेदित करती हूँ, अगर कुछ समय के लिए आप मुझे समय दे दें तो बहुत अच्छा लगेगा। हाँ, क्योंकि सामने सुनने वाले श्रोता होते हैं तो बहुत अच्छा लगता है पढ़ने में, क्योंकि आप लोग ही हमारी ऊर्जा हैं। मैं पढ़ती हूँ। जैसा कि आयोजन आज हमारे भैया जी ने रखा है, और मैं माँ से विनती करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ, आदरणीय विशु जी के भी लिए, सभी के लिए, जिन जिन्होंने ये आयोजन रखा है, मैं प्रार्थना करती हूँ कि ये कार्यक्रम बड़े निरंतर बढ़े, और इस आपका जो स्कूल है उसकी भी बहुत आगे जो कामना होती है हर व्यक्ति की कि हमारा कार्यक्रम आगे जाए, हम जो भी कार्य करें वो बड़ा नाम उसका हो, तो बहुत नाम हो आपके स्कूल का, बहुत बड़े में बहुत। माँ से प्रार्थना करती हूँ, मैं चार पंक्तियाँ आपको निवेदित करती हूँ आदरणीय भटनागर जी, सुनिएगा। कर्म से आदमी महान कहा जाता है, कर्म से आदमी महान कहा जाता है, सारी दुनिया की वो पहचान कहा जाता है। कर्म नारायण श्री कर्म से राम को भगवान कहा। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद, आपकी ये भरपूर तालियां मुझे ऊर्जा दे रही हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं तो धन्य हो गई इस पवित्र धरती पर, इस फिरोजाबाद की धरती पर आकर, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलके, खासकर बहुत अच्छा लगा। मैं पढ़ती हूँ, सुनिएगा। मैं श्रृंगार की कवित्री हूँ, और आज दिवस है वैलेंटाइन डे, तो मोहब्बत की बात करती हूँ, सुनिएगा, मोहब्बत से ही सुनिएगा और मोहब्बत ही दीजिएगा, सुनिएगा। जलाता तन मेरा और मन मेरा जलाता है, जलाता तन मेरा और मन मेरा जलाता है, कौन लगता है मेरा जाने कौन नाता है, कौन लगता है मेरा जाने कौन नाता है। खिड़की दरवाजे सभी बंद करके रखती हो, खिड़की दरवाजे सभी बंद करके रखती हूँ, अरे फिर भी सपनों में मेरे रोज चला। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया दीदी, बहुत। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा। मैं पढ़ती हूँ, चार पंक्तियां और रखती हूँ आपके सामने। कि उसकी परछाई मेरे साथ हो नहीं पाई, उसकी परछाई मेरे साथ हो नहीं पाई, सोचा था रात होगी रात हो नहीं पाई, सोचा था रात होगी रात हो नहीं पाई, उसने खिड़की से मोहब्बत के खत मुझे भेजे, उसने खिड़की से मोहब्बत के खत मुझे भेजे, बात होनी थी मगर बात हो। बहुत शुक्रिया, बात होनी थी मगर बात हो नहीं पाई। और मैं चार पंक्तियां और रखती हूँ, और उसके बाद मैं एक छोटी सी गजल आपको सुनाऊंगी, उसके बाद अपना स्थान लूंगी, लेकिन जैसे आप आदेश करेंगे मैं वैसा करूंगी। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया भैया जी। अब
अपने शब्दों से कानों में रस खोल दो, अपने शब्दों से कानों में रस खोल दो, द्वार अंतःकरण के प्रयास खोल दो, द्वार अंतःकरण के प्रयास खोल दो। धन्य हो जाऊंगी मैं तुम्हारी कसम, तुम मेरी हो ये बस बोल दो, तुम मेरी हो ये बस बोल दो। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अब एक छोटी सी गजल, उसके बाद अपना स्थान लूंगी, क्योंकि अभी विशेष लोग बैठे हैं, वो आपको सुनना है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। सुनिएगा। तू खुदा है मेरे नसीब का, तू खुदा है मेरे नसीब का, ये राज कैसे बयां करूं। तू खुदा है मेरे नसीब का, ये राज कैसे बयां से सुन रहे हैं। तू भले ही मुझसे दूर है, शेर सुनिएगा, आइएगा अपना स्थान ग्रहण कीजिएगा। अरे बाबा, बहुत बहुत आभारी हूँ मैं आपकी कि मेरे काव्य पाठ पे आप आए हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जय हो। धन्यवाद, धन्यवाद। सुनिएगा, मैं पहला शेर पढ़ती हूँ। तू खुदा है मेरे नसीब का, ये ये रात
सकती हूँ। सियासत ने चली चाले, पिता में भी तो अंधे हैं, दुराचारी भी अच्छे हैं, यहाँ अच्छे भी गंदे हैं, और सियासी भेड़ियों ने तुम मेरे ईश्वर को ना बख्शा, कभी मजहब के धंधे हैं, कभी मजहब में धंधे हैं। आइए दादा प्रशांत का कहते हैं।